कांग्रेस महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं रोहतक में भी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के आक्रामक तेवर आज देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक स्थित कांग्रेस भवन से प्रदर्शन की शुरुआत की और डीसी कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, प्रत्येक जनमानस के ऊपर एक साधारण आदमी को बहुत बड़ा बोझ है और एक घर का खर्चा और घर की रसोई चलानी मुश्किल हो गई है। 450 रुपये का सिलेंडर था तो इन्होंने सिलेंडर और सब्जियां लेके सब कुछ ये बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। आज ये सभी के अभी शांत हैं, चाहे उसमें स्मृति ईरानी थी, चाहे और थे, चाहे लेखी थी, चाहे और अधिकारी और बड़े बड़े नेता थे उन सब ने। और आज ये प्रति 10 दिन बाद 80 पैसे बढ़ के 100 रुपये का आंकड़ा पार हो गया है और इससे टोटल इकॉनमी के ऊपर महंगाई पे असर पड़ता है। कांग्रेस नेताओं की माने तो महंगाई ने आज आम आदमी की कमर तोड़ रखी है और वो सरकार के इस रवैये को नहीं की जाएगी। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं और रसोई गैस का दाम बढ़ाकर सारे घर का बजट बिगाड़ दिया है, इसलिए आज उन्हें मजबूर होकर जनता की आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। सब गृहस्थी वाले, सब बालक बच्चों वाले हैं। आज सिलेंडर 1000 रुपये का, हमारे टाइम 400-450 रुपये का था। माचिस से लेकर के आटे तक, चाहे चीनी की बात करूँ, गुड़ की बात करूँ, चाहे मैं हल्दी की बात करूँ, चाहे मैं मिर्च की बात करूँ, चाहे मैं किसी वस्तु की बात करूँ, खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है। और क्या कहते हैं, जब जब बीजेपी सरकार आई है, महंगाई साथ ले आई है, बेरोजगारी साथ ले आई है। तो मैडम, प्रोटेस्ट करने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, ऐसे ही बढ़ती रहती है? ऐसा है, हम प्रजा की आवाज़ उठाएंगे, ये हमारा अधिकार है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में, पता है कादर साहब जब अपने हलके की डिमांड रख रहे थे या हम अपने हलके की डिमांड रख रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी के लफ्ज बताती हूँ, हमारा काम तो है प्रजा की आवाज़ उठाना और ज़ोर शोर से उठाएंगे। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे सीवर पानी की बात, कोई भी हो, हम मजबूती से उठाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बोला भी इसका काम है उठाना, वो तो हमारी मर्जी, चाहे हम करार चाहे ना करार। जिनकी सोच ऐसी है, जो हर वर्ग को साथ लेकर नहीं चलते, हर वर्ग की अनदेखी करते हैं, उनको तो आप भी जानते और हम भी जानते, क्या कर सकते। बता दें कि पिछले 3 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और रसोई गैस के सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं, जिसके चलते जहां लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं आज हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी हर जिला मुख्यालय पर इस महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।